मालिक को बिना बताए कर्मचारी के द्वारा सामान बेचे जाने का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर सेल्स का काम किया करता था। दुकान मालिक ने इसे 5 महीने पहले ही नौकरी पर रखा हुआ था। जब स्टॉक की जांच की गई तो पाया गया कि इसमें 7 AC फ्रिज वॉशिंग मशीन के साथ ही करीब 2.5 लाख का सामान गायब है। पूछताछ में कर्मचारी ने सामान बेचे जाने की बात को कबूल किया है। इसने सामान किसको बेचा इसकी जाँच की जा रही है। जो शेख नसीम नाम का जो व्यक्ति है वो इनकी जानकारी के बिना ही दुकान के सामानों को वॉलेट्स पर डाल के बेच देता था और इनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं देता था। लगभग 2.5 लाख रुपए के सामान को उसने बेच दिया है जो कि उनके मालिक की जानकारी में नहीं है और ये लगातार कई दिनों से ऐसा कर रहा था। जब उनको जानकारी हुई उन्होंने आकर थाने में रिपोर्ट कराई है।